उमरिया जिले में गेहूं उपार्जन समाप्त होने के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले के महरोई कैंप में शिकायत के बाद जांच करने से अधिकारियों को ओपन कैंप में हजारों बोरी सरकारी राशन की दुकान का गेहूं मिलने से हड़कंप मच गया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रथम दृष्टया मानपुर क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर यज्ञ दत्त त्रिपाठी को जिम्मेदार मानते हुए निलंबित कर दिया है और जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध FIR कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि महरोई कैंप में उपार्जन केंद्र अमरपुर एवं चिल्हारी क्षेत्र के किसानों से रबी विपणन वर्ष 2021 का गेहूं खरीद गया है। जांच के दौरान खरीदी गई कुल मात्रा में से 2000 क्विंटल गेहूं मौके में कम पाया गया। वहीं राशन की दुकान का गेहूं ओपन कैंप तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। हमको यहाँ पर सैंपलिंग करने के लिए निर्देशित किया गया था अनुभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा, तो हम लोग यहाँ पर आए थे और हमने फिर सर्वेयर को बुलाया था जो कि ये देख सके कि गेहूं की क्वालिटी कैसी है। आशंका इस बात की थी कि शायद उसमें पुराना गेहूं है या हो सकता है PDS से सप्लाई में आया हो, तो हमने उसमें बोरियों में से सर्वेयर से अपने सामने जो है तो सैंपल लिया है और सैंपलिंग के बाद वो सर्वेयर को दिया हुआ है। सर्वेयर उसमें अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसे ही वो रिपोर्ट हमको देते हैं उस रिपोर्ट के साथ हम उन सैंपल्स को कलेक्ट करके और वरिष्ठ अधिकारी की ओर प्रेषित करेंगे। वरिष्ठ स्तर से इस संबंध में मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि महरोई केंद्र में कुछ अनियमितता चल रही है, इस पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और वहाँ जो उपार्जन की मात्रा बताई जा रही थी अभिलेखों में उसमें करीब 2000 बोरी गेहूं कम पाया गया और सघनता से जांच की गई तो यह मालूम पड़ा कि 21 मई को खरीदी समाप्त होने के पश्चात भी अभी 2-3 दिन पूर्व तक करीब 2000 बोरियों को स्टैकिंग के लिए वेयरहाउसिंग को नहीं सौंपा गया था। इससे आशंका हुई कि कुछ कहीं बाहर का गेहूं लाने का प्रयास चल रहा है। कुछ बोरियों को देखा गया तो मालूम पड़ा वो PDS की बोरियां हैं जो उपार्जन के नाम पर खपाई जा रही थी। इस संबंध में मैंने विस्तृत जांच के लिए SDM मानपुर को निर्देश दिया, उन्होंने पंचनामा वगैरह बनाया, पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन किया और प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मानपुर को निलंबित किया गया है। चूंकि शासन से धोखाधड़ी का मामला है, पुराने गेहूं को PDS के गेहूं को उपार्जन में लाया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये आपराधिक प्रकरण बनता है और इसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई की जाएगी। उमरिया से राष्ट्रीय मिश्रा की ये रिपोर्ट।